आज हम आपको बताएंगे भारतीय वकालत के भीष्म पितामह के बारे में, जिन्होंने कहा था कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे जीते जी रामलला कानूनी तौर पर विराजमान हो जाएं। ये स्टेटमेंट है 94 वर्षीय देश के अनुभवी वकील के पराशरण का, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दशकों से चले आ रहे राम जन्मभूमि मामले में रामलला विराजमान का प्रतिनिधित्व किया था। 2011 में पद्म विभूषण और 2003 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले के पराशरण अपने तेज दिमाग और सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। पीएम इंदिरा गांधी के दौरान वे भारत के सॉलिसिटर जनरल और पीएम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान भारत के अटॉर्नी जनरल थे। अपनी हर कोर्ट हियरिंग के लगभग 10 से 12 लाख रुपए लेने वाले के पराशरण सबरीमाला मामले में भी देवता और भक्तों के अधिकारों की रक्षा कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज संजय किशन कौल के पराशरण को इंडियन बार काउंसिल का भीष्म पितामह बताते हैं। इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए द लीगल ऑब्जर्वर।